भारत मीडिया चैनल। मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कड़े आदेश के बाद जुमे की नमाज पुलिस प्रशासन की देखरेख में जो है पूरे जिले में आज संपन्न हुई है। बलिया जिले के लगभग जो महत्वपूर्ण जो मस्जिदें थी वहां पर पुलिस प्रशासन का जो है कड़ा पहरा लगा हुआ था। आज विश्व में जिस तरह से हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर विवादित टिप्पणी को लेकर के बवाल मचा हुआ है, तो और पिछले जुमे को कानपुर में भी इसको लेकर के एक जुलूस निकाला जा रहा था जिसमें बवाल हुआ, दंगा हुआ, जिसके बाद यह कड़े कदम जो है उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उठाए गए हैं। तो आज जो है हम यहाँ मौजूद हैं बिलखरा रोड में और यहाँ पे नूरुद जामा मस्जिद में जो है हम लोगों ने नमाज भी अदा किया है। यहाँ पे जो है कारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे जो है थोड़ी बहुत जो है इस विषय पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो इस तरह के जो है माहौल क्यों पैदा होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, क्यों बन जाते हैं। जिस तरह से आजकल देखा जाता है टीवी पर डिबेट होते हैं, डिबेट में तमाम तरह के जो धर्म गुरु जो होते हैं, जो राजनीतिक लोग होते हैं, पार्टी के प्रवक्ता जो है शामिल होते हैं और वह तूतू मुहे करते हुए जो है धर्म किसी धर्म विशेष के लोगों पर भी जो है टिप्पणियां कर देते हैं। इसी तरह की टिप्पणी एक पिछले 15 दिन पहले जो है नुपुर शर्मा ने की थी जिसको लेकर के आज पूरा विश्व में जो है बवाल मचा हुआ है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी हमारे जो अरब देशों में गए हैं उन्हें जो वहाँ की सर्वोच्च नागरिकता सम्मान से सम्मानित किया गया, जिस तरह से पूरे अरब देश जो है भारत के मित्र रहे हैं, आज जो है क्यों भारत के खिलाफ है, क्यों आखिर जो है भारत का नाम जो है विश्व में जो है खराब हो रहा है, इस सब विषय पर आइए जो है चर्चा करते हैं हमारे कारी साहब से। जी सर, अपना जो है सबसे पहले जो है, मेरा नाम कारी मोहम्मद इम्तियाज अहमद है, मैं मदरसा नूरुल इस्लाम का प्रिंसिपल हूँ। आपके यहाँ जो है आज जुमे की नमाज जो है पढ़ी गई है, काफी लोगों ने जो है शांतिपूर्ण माहौल में जो है नमाज अदा की। जी, सरकार का निर्देश भी था और इससे पहले भी हमेशा जुमे की नमाज शांति से ही होती है, इसलिए कि इस्लाम में शांति ही पसंद लोग हैं और इस्लाम अमन और शांति का पैगाम देता ही है, इसलिए हम लोग आज भी शांति के साथ ही जुमे की नमाज अदा किए हैं। जिस तरह से नूपुर शर्मा का जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बयान आया, उसके बाद पिछले जुमे को कानपुर में हालात जो है खराब हुए, उससे कुछ न कुछ कहीं ना कहीं माहौल में गर्माहट नजर आ रही थी आपको? अब कुछ लोग ऐसे हैं कि शांतिपूर्ण जुलूस निकला हुआ था लेकिन माहौल खराब करने की कोशिश किए और उसके बाद माहौल खराब भी हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को दिल को तकलीफ होती है तो अपना प्रोटेस्ट करता है, जुलूस निकालता है, अमन सुकून के साथ जुलूस निकालता है। उसमें कुछ लोग बाहर से भी आ जाते हैं और उसके बाद से माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद माहौल खराब हो जाता है और पूरे माहौल वहाँ पे गड़बड़ सड़बड़ हो जाता है। मतलब आप कहना चाहते हैं कुछ शरारती तत्व जो होते हैं जो इस जुलूस के बीच में जो शामिल होकर के जिस तरह का जो है बातें पुलिस प्रशासन की तरफ से भी सामने आ रही थी, इस तरह के जो है कार्य होते हैं जो की नहीं होना चाहिए, लेकिन जिस तरह का फेसबुक पे चाहे ट्विटर पे जिस तरह की अभद्र भाषाएं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पोस्ट की जा रही हैं, इसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, किसी के मजहब के ऊपर कोई टिप्पणी करना ये अच्छी बात नहीं है और जहां तक मेरे आका करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, वो तो सारी कायनात के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं, वो तो मुस्लिमों के लिए, गैर मुस्लिमों के लिए, ईसाइयों के लिए, सिख के लिए, यानी पूरे जितने भी चरिंद परिंद हैं जो भी हैं सबके लिए वो रहमत बनकर तशरीफ लाए हैं, तो उनके ऊपर टिप्पणी करना ये अच्छी बात नहीं है। ऐसे लोग कर ऐसे माहौल खराब करने के लिए लोग टिप्पणी करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। और इस्लाम और हम लोग ये चाहते हैं कि मुल्क में हमेशा अमन सुकून और सलामती के साथ रहें और सबको सलामत रखें। जिस तरह से अरब मामूल जो है हिंदुस्तान अपने जो भारत देश के जो है काफी मित्र रहे हैं, मित्रोत व्यवहार भी रहा है, लेकिन आज जिस तरह कड़वाहट देखी जा रही है, हमारे जो है देश के तमाम लोग जो है लाखों की तादाद में लोग जो देश में जो है काम करते हैं, वहां से रोजगार उनको जो है मिला हुआ है, इस पर जो है कितना जो है असर देख रहे हैं? असल बात यह है कि जब आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टिप्पणी की गई उसके 10 दिन के बाद कार्रवाई होती है, ये तो अच्छी बात नहीं है। जब मुल्क हिंदुस्तान के मुसलमान उसके बारे में ये कह रहे थे कि ये गलत हुआ है, किसी के मजहब के ऊपर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, तो उसी पे सरकार को एक्शन लेना चाहिए, सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन सरकार उस पे कार्रवाई नहीं की
और रहते रहते कुछ दिनों के बाद माहौल खराब हो गया, दूसरे देशों तक बातें पहुंच गई, उसके बाद से और माहौल खराब हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी मजहब के ऊपर कोई भी टिप्पणी करता है तो उसे सरकार को चाहिए कि सख्त से सख्त उस पर कार्रवाई करे और उसको FIR करके उसको जेल में डालने की कोशिश करे। तो मतलब साफ तौर से आपका कहना है कि सरकार को जो है जब अरब मुल्क जो है जागे हैं कार्रवाई करने के बजाय पहले ही ये कार्रवाई करनी चाहिए, हालांकि जो है सिर्फ उनको पार्टी से निकाला गया है। जैसे मैं सुनने में आ रहा है कि कल दिल्ली में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुआ है, हो सकता है आगे जो है उनकी गिरफ्तारी हो, लेकिन किसी को भी किसी भी के धर्म पर जो है उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। काजी साहब जो है आप ऐसे माहौल में एक सुंदर और प्यार भरा जो है एक नगमा एक गीत हुजूर के सामने जो है पेश कर लोगों के दिलों को जोड़ने का काम करें। नाती पाक का एक मतलब चंदाशार पहुंचा देता हूं कि जन्नत की आरजू है ना दुनिया पसंद है, जन्नत की आरजू है ना दुनिया पसंद है, कि जन्नत की आरजू है अरे जन्नत की आरजू है ना दुनिया पसंद है, जन्नत की आरजू है ना दुनिया पसंद है, मुझको मेरे रसूल का रोजा पसंद है, मुझको मेरे रसूल का रोजा पसंद है। और ये शेर करबला वालों के हवाले से पहुंचा देता हूँ, इसलिए कि अब करबला का महीना आने वाला है। शेर मुलाहिजा फरमा लें, करबल में जिसने दीन पे सब कुछ लुटा दिया, करबल में जिसने दीन पे सब कुछ लुटा दिया, कि करबल में जिसने दीन पे अरे करबल में जिसने दीन पे सब कुछ लुटा दिया, करबल में जिसने दीन पे सब कुछ लुटा दिया, मुझको वो मुस्तफा का नवासा पसंद है, मुझको वो मुस्तफा का नवासा पसंद है। अस्सलाम वालेकुम। ये आप ही के सब शागिर्द हैं? जी, ये हमारे मदरसे के तालिब इल्म हैं जो यहीं रहकर इल्म हासिल करते हैं। जो है बाहरी हैं कि ये लोग यहीं रहते हैं? लोग का घर अलग अलग गांव में है, लेकिन यहीं पर रह के तालीम हासिल करते हैं और अपनी जिंदगी और अपनी आखिरत और जमाने के जो टेक्निकल चीजें हैं उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे साथ जो है इसमें मैं बातचीत करने के लिए कारी इम्तियाज साहब जो है मौजूद थे, इन्होंने सभी बातों पर जो है साफ गोई से जो है अपनी बात जो है रखी। अंत में जो हुजूर पे एक कलाम भी जो है बहुत ही खूबसूरत जो है कलाम जो है पेश किया, जिसे आप जो है बार बार जो है सुन सकते हैं। भारत मीडिया के लिए समद के साथ सबीर अहमद की रिपोर्ट, आप देखते रहें भारत मीडिया चैनल।